बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, वैसे तो पिछले तकरीबन एक साल से मुल्क में इलेक्शन का माहौल है और ख़ास तौर पे जो कौमी असम्बली डिज़ाल्व हुई और दो असम्बलियाँ बलोचिस्तान और सिंध असम्बली डिज़ाल्व हुई, तो उसके बाद तो बाज़ाब्ता तौर पे लोग जो हैं वो इलेक्शन के मोड में आ गए। लेकिन एक पार्टी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी, उनके खिलाफ चूँकि मुकदमात थे और वो मुकदमात की वजह से गिरफ़्तार हुए बहुत सारे कारकुन के इस वक्त भी जेलों में हैं। उसके बाद इलेक्शन जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना करवाने की वजह से उनसे निशान ले लिया गया और ये एक बात आम होने लगी कि उनको जो लेवल प्लेइंग फील्ड है वो नहीं दिया जा रहा। लेकिन गुज़श्ता तीन चार दिन में कुछ ऐसे वाक़ात हुए जो आपके नोटिस में मैं लाना चाहता हूँ कि फैसलाबाद से ख्याल कास्तराव पीटीआई के एक जो मिनिस्टर रहे थे सूबा पंजाब में, उनको वहाँ से गिरफ़्तार कर लिया गया सुबह के टाइम जब वो कचहरी में थे। जिस तरह उनको उठाया गया वहाँ से कि उनको बाजू और टांगों से पकड़कर गाड़ी में फेंका गया, ये सब ने देखा और उसके बाद उनको रिलीज़ कर दिया गया। और उसके बाद फैसलाबाद ही से डॉक्टर अंसार जो है उम्मीदवार हैं मैंने के, तो उनका एक वीडियो बयान हुआ कि जी अब फैसला हो गया है और अब हमें जो है वो कैंपेन करने दी जाएगी। तो इसी तरह डॉक्टर उस्मान अनवर साहब जो आईजी हैं पंजाब के, उनका वीडियो बयान जो इस वक्त सोशल मीडिया की जीनत है कि हम जो है वो तमाम को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाएगी और हर कोई कैंपेन कर सकता है, तमाम पार्टियां जो हैं वो रैलीज निकाल सकती हैं, तो ये एक अच्छा शगुन था। और मेरे ये ज़ाती इलम में है, बड़े जो ख़ास ज़राए थे उन्होंने बताया कि ये डॉक्टर साहब ने ना सिर्फ वीडियो बनाई बल्कि उन्होंने तमाम अपने अफसरान जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के अफसरान थे उनके साथ मीटिंग करके उनको मीटिंग में ये बताया कि जो हो गया सो हो गया, अब हर किसी को कानून के ताबे जो है वो इलेक्शन कैंपेन करने की इजाज़त है और कोई किसी को बिला वजह कैंपेन से नहीं रोकेगा। हाँ, जाहिर है जिनके ख़िलाफ़ कोई मुकदमात हैं या कोई कानून हाथ में लेगा तो उसके ख़िलाफ़ तो यकीनन एक्शन होगा। तो ये एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर और उनके जो कारकुन हैं उनके लिए ये एक अच्छी खबर है कि अब उनको ये मौका मिल गया है कि वो अपने कैंडिडेट जो हैं उनके जो तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता हैं उनकी भरपूर कैंपेन करें। और हाँ, ये ज़रूरी है कि चूंकि उनका अपना जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान था बल्ला वो किसी कैंडिडेट के पास नहीं है, तो ये जानना अब वोटरों के लिए मज़ीद ज़रूरी हो गया है कि वो अपना जो इस वक्त उनका पीटीआई का हमायत याफ्ता उम्मीदवार है उसका इंतखाबी निशान पहचाने। तो ये एक चीज़ है जो मुल्क में नई डेवलप हुई है और मुझे उम्मीद है कि जो आने वाला इलेक्शन है वो जो हो गया सो हो गया, अब वो फेयर एंड फ्री होगा। थैंक यू वेरी मच।